हाँ, फिर जैसे मैं आया और ये मधुमक्खी भी आ गई यार, फूलों से रस लेने। शायद मेरे से मिलने आ रखी हो, मुझे लग रहा है ऐसा ही, क्योंकि जब मैं आया तभी आई है यहाँ पे फूलों का रस लेने और भाग गई। हेलो माय टू फैमिली, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 10 बजे से, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो हम निकल गए हैं अभी घर से और हम जा रहे हैं आरतुला। तो ये देखो, पूरी जो बारात है उसका स्वागत किया जाएगा यहाँ पे। बट क्या कहते हैं, जो आदमी की बारात होती है ना, मतलब इंसानों की, वो नहीं, जो सुअरों की बारात होगी उसका जो खाना पीना चलेगा ना, इसी टेंट में चलेगा। एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको वो टेंट। ये देखो, ऐसे काफ़ी सारे टेंट लगे हैं। ये देखो, ऊपर हमारे घर हैं और घरों के नीचे लगे हैं ऐसे टेंट। ये टेंट इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो जंगली जानवर है ना, सुअर वगैरह, वो आलू वगैरह या जो अरबी है उसे खाने के लिए आते हैं, तो वो इसे देख के थोड़ा डरते हैं। मतलब जहाँ पे टेंट लगा होता है ना, वहाँ पे वो नहीं आते, उन्हें लगता कि कोई इंसान वगैरह होंगे, तो इसलिए। और राणा जी चले हैं हमारे आगे से फुल। और यहाँ से जो व्यू आता था ना अपने उधर, एक नंबर व्यू आता था, जो सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना देवदार का, तो यहाँ से काफ़ी लोग नीचे से, मतलब थोड़ा नीचे से फोटो क्लिक करवाते थे। मतलब अपने गांव के जितने भी बंदे हैं ना, उन लोगों ने यहाँ पे क्लिक जरूर करवाई होगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड था ना देवदार के जंगलों का, जो लुक था भाई, एक नंबर, वहीं से सब फोटो क्लिक करवाते। बट आजकल देख रहे हो मौसम यार, हम इसे औसम नहीं कह सकते क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रखा ना। अगर बारिश होगी ना दबा के, तो ये जो धुंध सी दिखाई दे रही है आपको, ये धुआं सा, क्योंकि जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी है। अगर ये ज़्यादा बारिश होगी ना, तो ये आग बुझ जाएगी और क्या कहते हैं, जो मौसम है ना, की लेटी आ जाएगी मौसम में, और एकदम मस्त से पियोंगे। और ये देखो टेंट हाउस, आपको जो सुअर है ना, उनको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए काफ़ी टेंट लगे हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ भी लगा है, रंग बिरंगे टेंट लगे हैं उनके लिए, मस्त मस्त से। अब हाँ, उनके लिए खाने का फुल जुगाड़ है। वहाँ पे भी लगा है, देखो सामने वहाँ माता का मंदिर है, जय माता दी, तो वहाँ पे भी टेंट, टेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। आपको हर जगह, हर एक दो खेत छोड़ के आपको टेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी बनाने की सोची, लेकिन हो सकता है टेंट का सामान ना मिला हो, फिर उन्होंने दूसरे टाइप का टेंट लगा दिया। और ये अपने उधर का है हरजू का मंदिर, गए हो, और वहाँ दिखाई दे रहा है आपको जो छत से दिखाई दे रही देवदार के पीछे, वो है शिव जी का मंदिर, डंडेश्वर मंदिर। और ये रोड, और यहाँ पे आ रखे कुछ टूरिस्ट, और हम चले हैं आरतोला के साइड। आज आरतोला भी दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पे जो आरतोला से है ना, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार आरतोला से कितना किलोमीटर होगा ये जागेश्वर धाम और डंडेश्वर मंदिर, तो इस वीडियो के जरिए उन्हें पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर है और क्या है, तो वो इजीली जब भी आएंगे उन्हें पता रहेगा कि हाँ यार यहाँ से इतना किलोमीटर आगे है, तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं, ना बोर्ड देखने की ज़रूरत, वो सीधे आ सकते हैं। ये है अपना शिव जी का मंदिर, और इसकी पूरी डिटेल वाली वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कुबेर जी का मंदिर है, और ये
हनुमान जी का मंदिर है, और ये बड़ा वाला है शिव जी का मंदिर, और ये है माता का मंदिर। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डंडेश्वर महादेव के नाम से होगी। तो हम पहुंच गए अभी मोक्षधाम मंदिर, और यहाँ पे एक नया मंदिर बना है यार अभी, माता का मंदिर, मान नंदा देवी मंदिर, ऊपर है मंदिर, कभी दिखाऊंगा उधर जाके। तो ये है पार्किंग अपने जागेश्वर धाम की, तो ये पूरी पार्किंग है, ये आरतोले से आपको 500 मीटर नीचे दिख जाएगी। तो यार हमारा जो प्लान था ना यार, कि ये आरतोला जाने का, घर में हो रहे थे हम दोनों बोर, क्योंकि एक साथ बैठे थे, तो राणा जी ने बनाया कि प्लान यार कि आरतोला चलते हैं, थोड़ा सामान भी लेके आना है और घूम भी आएंगे। तो हमने सोचा पैदल पैदल ही जाएंगे, फुल रोड के मजे लेते हुए, और ये हसीन वादियों के मजे लेते हैं। राणा जी कुछ कहना चाहोगे? बहुत मजे आए आज, बहुत मजे आए। चलो फिर और मजे लेते हैं, चलते रहते हैं हम। यहाँ पे एक पेड़ दिखाया है, इसमें बढ़िया से फूल खिल रखे हैं, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पांगर का हो सकता है शायद, जंगली पांगर बोलते जिसे, अब मुझे इतना पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना किस चीज़ का पेड़ लगा आप लोगों को, ये आपके उधर भी होता है क्या। और यहाँ पे है एक शुद्ध प्योर वाटर का स्रोत, जिससे कि आप गर्मियों में इधर घूमने आते हो तो यहाँ से पानी भर सकते हो एकदम ठंडा ठंडा। तो बस जस्ट 100 मीटर की दूरी पे बच गया है आरतोला, पहुँच जाएंगे। और ये देखो यार कितने प्यारे फूल खिल रखे हैं हर जगह ये, और खूब सारी इन पे मधुमक्खियाँ बैठ रखी हैं। ज़्यादा मेरे को याद है यार, ये जो सामने घर दिख रहा है ना, ये अपने दोस्त का घर है, वो काफ़ी बार बोलते रहता है यार कि वो अपने साथियों को बोलता है कि यार उसका घर जागेश्वर धाम के करीब ही है, मतलब नज़दीक में, तो उसके दोस्त वगैरह यकीन नहीं करते। तो आज मैंने व्लॉग में दिखा दिया, और ये घर है अपने मदन भाई का है, जो ये बगीचा सा दिख रहा है आपको, वहाँ पे कीवी का पेड़ है, और ये आड़ू का पेड़ है, और ये खुमानी का पेड़ है। और अब हम खाएंगे छोले ब्रेड, काफ़ी सालों बाद यार छोले ब्रेड खाने को मिले, क्योंकि मैंने काफ़ी साल से खाए नहीं, क्योंकि कहीं पे छोले मिलते तो ब्रेड नहीं मिलते थे, ब्रेड पकौड़े, और कहीं पे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं तो छोले नहीं मिलते, तो आज हमने सोचा कि खा ही लेते हैं। और इसमें देखो ऊपर से डाल के चटनी, हरी चटनी और प्याज वगैरह डाल रखा है, बड़ा मस्त बना रखा है, तो करते हैं इंजॉय और मिलते हैं आपको आगे। और आरतोला में ही माता का मंदिर, ये देखो जय माता दी, ये है आरतोला, और यहाँ से जागेश्वर 3 किलोमीटर है, और पिथौरागढ़ 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो रोड हैं, एक जा रही है ये वाली जा रही है पिथौरागढ़ को, और ये आ रही है जागेश्वर को सीधे। और ये देखो ये दे देंगे पूरे चाय के पैसे तो ये सीधे जाएगी जागेश्वर। तो जो बुरांस के फूल थे ना वो सूख गए, कुछ कुछ फूल जो बच रखे हैं अभी ताजे हैं, मतलब एकदम फ्रेश ही, देखो यहाँ पे बाकी सब सूख रखे हैं। कितने मस्त लग रहे हैं, देख रहे हो ग्रास के फूल। चलते चलते ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे दिखी जाएगी जो आपको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। हम हो गए वापस, मतलब कब का हो गए थे वापस, पुल पे पहुँच गए हम, राणा जी लेके आ गए सब्जी अपने लिए आज क्योंकि राणा जी जागेश्वर नहीं गए ना ड्यूटी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि घर हैं तो कुछ काम किया जाए, वहीं से लेके आते हैं आरतोला से। फुल लोडेड ट्रक हैं, एक साइड को झुक रखे हैं राणा जी फुल, क्योंकि एक साइड को भार है ना, कहीं राणा जी के पट्टे ना बैठ जाए एक साइड के। तो यहाँ पे देखो यार सबसे बढ़िया लोकेशन मेरे को यहीं पर लगती है मस्त सी, क्योंकि एकदम प्लेन रोड है, और चारों तरफ से ऊपर से ना ये देवदार के टहनियाँ आ रखी, मतलब पेड़ हैं दोनों साइड से, तो उनकी टहनियाँ एकदम पूरी रोड ऊपर से कवर कर रखी है। और यहाँ पे है ये देखो, यहाँ पे हम पहले करते थे तैयारी, कुछ लोग अभी भी करते हैं आर्मी वगैरह की तैयारी, अपने ही गाँव के भाई लोग। तो यहाँ पे मैं भी लटका था यार सुबह सुबह काफ़ी टाइम, और हम भी कुछ तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर सुबह सुबह, जो यहाँ पे गर्मी के टाइम या सर्दी के टाइम तो ठंड होती है ज़्यादा, लेकिन गर्मी के टाइम जो मज़े आते हैं ना यहाँ पे, सुबह आप 4:30 बजे उठ के आ जाओ और यहाँ पे रनिंग करो, और उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करो, एकदम पूरे दिन ना
बॉडी में एनर्जी रहती है एकदम, आलस तो कहीं कोसों दूर भाग जाता है। हम पहुंच गए हैं फिर से दंडेश्वर, दंडेश्वर मंदिर पहुंच गए हम फिर से। देखो तो ये है दंडेश्वर, और दंडेश्वर से हम जा रहे हैं सीधे घर को। यहाँ से ऊपर को है अपने गांव का रास्ता। तो हम पहुंच गए हैं अब घर। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।